माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी स्वीट डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th इकोनॉमिक से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और इस महीने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ाता ही चला जाऊंगा, अर्थात इनके वीडियो आपको मैं भेजता रहूंगा। ये वीडियोज किस किस के बारे में होंगे? ये वीडियोज होंगे प्रोडक्शन के बारे में, कॉस्ट के बारे में, रिवेन्यू के बारे में, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में और सप्लाई के बारे में। ये सारे के सारे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर हैं जो एक ही यूनिट के अंदर कवर होते हैं, और इस यूनिट को आपने जब भी करना है स्टडी, एज ए प्रोड्यूसर बनकर करना है। जी हाँ, जब इन टॉपिक को स्टडी करते हैं तो एज ए प्रोड्यूसर बनकर आपने सोचना है प्रोडक्शन के बारे में, कि प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन कैसे करना है, प्रोडक्शन के कौन कौन से साधन है, प्रोडक्शन पर कौन से लॉ लागू होते हैं, ये सब कुछ एज ए प्रोड्यूसर आपने करना है। जब कॉस्ट का चैप्टर करना है तब भी एज ए प्रोड्यूसर सोचना है, रिवेन्यू का चैप्टर करना है तब भी एज ए प्रोड्यूसर सोचना है। ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम सप्लाई, ये जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ लिखे हैं, ये अपने अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अलग अलग टॉपिक हैं, अलग अलग चैप्टर्स हैं, और इन्हें एज ए प्रोड्यूसर करना होता है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर प्रोडक्शन। तो क्या होता है बच्चों प्रोडक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? तो प्रोडक्शन क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस। ये वो प्रोसेस होती है इन विच वी कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फर्निश्ड गुड्स और द फाइनल गुड्स। प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स या फर्निश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। जी हाँ, ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वी ट्रांसफॉर्म्ड द रॉ मटेरियल इनटू फाइनल आउटपुट। जी हाँ, जिसमें हम रॉ मटेरियल को फाइनल आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदलते हैं, कच्चे माल से पक्के माल में बदलते हैं, या रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में बदलते हैं, तो वो प्रोसेस जो कहलाती है, वो प्रोसेस कहलाती है प्रोडक्शन। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो इसके अंदर रॉ जो मटेरियल है वो आपका हो गया रॉ इनपुट, हो गया इनपुट, जिसमें हम इनपुट डालें, प्रोसेसिंग करें और आउटपुट हमें मिल जाए, फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाए, वो प्रोसेस कहलाती है प्रोडक्शन। जी हाँ मेरे बच्चों, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन के लिए एक एग्जाम्पल लिया मैंने वुड का, वुड यानी कि लकड़ी का, वुड है ये हमारे पास रॉ मटेरियल है, इसी को हम इनपुट कह सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, वुड हमारे पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल पे बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है, और बाद में रॉ मटेरियल की वुड जो है वो फर्नीचर में, ब्यूटीफुल फर्नीचर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वुड इनपुट था, ये वुड हमारे पास रॉ मटेरियल था, कुछ भी कह लीजिए, इनपुट रॉ मटेरियल यहां एक ही बात है। तो इस पे प्रोसेसिंग होने के बाद ये कन्वर्ट हो गया आउटपुट में, फर्निश्ड गुड्स में, बहुत ब्यूटीफुल फर्नीचर हमारे पास आ गया। तो इससे हमने वुड को ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें? फर्नीचर में। ये प्रोसेस क्या है? प्रोडक्शन है। वुड को हमने पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया किसमें? फर्नीचर में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? प्रोडक्शन कहलाती है। और अब समझते हैं प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी है प्रोडक्शन फंक्शन की। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन, जैसे कि हम प्रोडक्शन करते हैं, किसी भी रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उस पर फंक्शनिंग होती है, उस पर काम होता है। इट रेफर टू द फंक्शनल रिलेशनशिप। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है एक ऐसा फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जिससे रॉ मटेरियल फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होता है, उस फंक्शनल रिलेशनशिप को हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जानते हैं। समझने के लिए देखिए, लैंड, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए आपको पता है कि कुछ फिक्स फैक्टर चाहिए होते हैं और कुछ वेरिएबल फैक्टर चाहिए होते हैं, कुछ वेरिएबल फैक्टर चाहिए होते हैं, ये सारे एज ए रॉ मटेरियल यूज होते हैं, लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल, लेबर और लैंड, ये सारे फिजिकल इनपुट कहे जाते हैं, फिजिकल इनपुट्स कहे जाते हैं। इनकी आपस में फंक्शनिंग होती है, अर्थात इन्हें वर्क पे लगाया जाता है, इन्हें काम पे लगाया जाता है, इनकी फंक्शनिंग के बाद क्या मिलता है? फिजिकल आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन, प्रोडक्ट मिल जाता है, हमें प्रोडक्शन मिल जाता है, उसमें हमें प्रोडक्ट मिल जाते हैं। जी हाँ, जब भी हम इनपुट का कुछ फंक्शनल रिलेशनशिप बनाएंगे और उसकी एवज में हमें कुछ प्रोडक्शन प्राप्त होगा, कुछ आउटपुट प्राप्त होगा, तो ऐसी प्रोसेस को कहेंगे
प्रोडक्शन फंक्शन। बेटा अगले वीडियो में आप देखेंगे प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट के टाइप कितने हैं, टोटल प्रोडक्ट क्या है, एवरेज प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, इनकी डेफिनेशन करेंगे और साथ ही करेंगे फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।